सिल्वर के लिए खेल के नियम। ठीक है दोस्तों, सही सुना आपने, सिल्वर के लिए क्या खेल के नियम है उसके बारे में हम ये वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो जो है वो आप ध्यान से सुने और पूरा सुने। आप सिल्वर में नहीं, किसी में भी ट्रेडिंग करते हो, मार्केट के साथ रिलेटेड हो, गोल्ड के साथ, सिल्वर के साथ, इक्विटी में, कॉमोडिटी में, कहीं पर भी काम करते हो, उसके कुछ रूल जो है वो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और उसकी एक पूरी सीरीज बनाने का मैं यहाँ पर दोस्तों ट्राई करूंगा। उसके अंदर क्या क्या जो है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए, मेन चीजें। तो आज हम बात करते हैं सिल्वर के अंदर, बाकी में भी आप ऐसे ही समझ सकते हो। तो मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सिल्वर के लिए कि आप जो है वो सिल्वर में एक बड़े लॉट में काम करते हो, ठीक है, 30 किलो में या उसमें, एग्जाम्पल के लिए। और जो है वो आपने एंट्री कुछ किया होगा, मान लेता हूँ एंट्री पॉइंट यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हो वैसे 66,000 के आसपास, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं। और फिर आप एक लॉट से तो हमारा मन भरता नहीं है, सीधी बात है, एक लॉट में थोड़ी पैसा कमाते, बहुत सारे दोस्त ऐसा बोलते हैं कि सर एक लॉट में थोड़ी हम कमा पाते, कम से कम 2 लॉट 5 लॉट 10 लॉट में काम करेंगे तो कुछ पैसा दिखेगा हमें। और यही हमारी गलती है। क्या क्या गलतियाँ जो है वो हमसे होती है और उसका क्या सॉल्यूशन होगा, वो हम पूरी डिस्कशन जो है वो ये सीरीज के अंदर करेंगे। तो समय लेकर सुनते जाए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें दोस्तों, कि 66,000 के अंदर जो है वो मान लेते हैं कि हमने जो है वो सिल्वर बाय किया। मैं एक लॉट से ही मान लेता हूँ, कितना बाय किया, 30 किलो। स्टॉप लॉस नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं हमारे अंदर, ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना होता है ऐसा भी हमें पता नहीं है। तो हमने जो है वो खींचते गए और सिल्वर जो है वो यहाँ पर गिर के आ गया लगभग 63,000 मान लेते हैं। तो 3,000 घट गया, मतलब लगभग हमारा नुकसान हो गया 90,000 के आसपास, 1,00,000 के आसपास। अब ये लॉस को हम कम कैसे करें, ठीक है, और प्रॉफिट में कैसे लाए, उसके बारे में आइडिया देता हूँ। आपको 30 किलो लेना है और आप जनरली जो दोस्त वीडियो सुन रहे उसमें से मेरा ये मानना है लगभग 80-85% जो दोस्त होंगे वो ट्रेडिंग करते होंगे और वो भी प्योर इंट्राडे, एकदम प्योर, ठीक है, जरा भी मिलावट नहीं, 100% प्योर इंट्राडे वाले जो ट्रेडर है वही होंगे 80% जितने। तो अब उनके लिए क्या करना है वो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, बाकी लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो मेन ध्यान से सुनना, सभी में आप इसको अप्लाई करना और इसका रिजल्ट जो है वो आप देखकर चौंक जाओगे। आपको करना ये है कि 30 किलो है उसकी जगह पे आपको 5-5 किलो के, मतलब मिनी लॉट के 6 लॉट डिवाइड कर देने, ठीक है, 5 किलो पे जो है वो बाय करना है। कब बाय करना है, हर गिरावट में कोई एक आपको आंकड़ा पकड़ लेना है, कम से कम 500 पॉइंट, 700 पॉइंट या तो 1,000 पॉइंट, जैसे आपकी कैपेसिटी। अगर आपकी जो है वो थोड़ा सा मतलब कि रिस्क कम लेना है तो हर 1,000 पॉइंट गिरे तब कितना लेना है आपको, 5 किलो, ठीक है, ज़्यादा नहीं, कितना लेना है, 5 किलो। फिर 1,000 गिरे, 5 किलो लेना है, फिर 1,000 गिरे, 5 लेना है। मतलब समझते कि यहाँ पर जो है वो हमने क्या किया, 66,000 पर जो है वो लिया पहले 5, जो है वो उस टाइम पे आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो, पहले पहला जो लॉट लोगे वो आप आधा लोगे, मतलब 10 किलो या तो 15 किलो। फिर जैसे 66 के बाद जो है वो 65,000 आया, 65,000, तब आपको 5 किलो ऐड करना है, और गिरा 64,000 और 5 किलो ऐड करो, और 63 आया और 5 किलो ऐड करो। अब यहाँ पर खेल क्या होता है वो देखना, आपने भी देखा होगा कि मार्केट कभी सीधा ऊपर नहीं जाता है, सभी जो है वो सीधा नीचे भी नहीं आता है। तो यहाँ से 63,000 पर लिया और फिर देखिए यहाँ पर 64,000 आ गया, 64,300। रूल मतलब रूल दोस्तों, 1,000 पॉइंट पे नीचे में लिया है तो 1,000 पॉइंट ऊपर में बेचना भी है कंपलसरी, ठीक है, जो भी आपका आंकड़ा लिया है 64, 65, 64, 500, जो भी एक आपने जहाँ से स्टार्ट किया है, स्ट्रिक्टली 500 पॉइंट तो 500 पॉइंट, 1,000 तो 1,000, 700 तो 700, जो भी आपको ठीक लगे, 500 से कम मत करना,
और 1000 से ज़्यादा मत करना। बेस्ट कौन सा है? तो 600-700 का जो फिगर है वो बेस्ट है, लेकिन उसमें आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, 700-700 में मतलब प्लस करके। इसके लिए राउंड फिगर पकड़ोगे 500 या तो 1000 तो बेटर रहेगा, ठीक है। जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, बहुत ही कम, तो 1000 पॉइंट का ले सकते हो। थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो 500 पॉइंट में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आया, हमने लिया था 63,000 में, ऊपर बेचा 64 में, हमारा कितना प्रॉफिट बुक हो गया दोस्तों, 5,000, ठीक है। फिर नीचे वापस आया, वापस से 63,000 वापस ले लिया 1,000, यहाँ पर देखिए 64,800, और दूसरे दिन 65,000, मतलब लगातार जो है वो एक बार 5,000 आए, एक और बार 5,000, मतलब 10,000 आगे का 5,000, 15,000। तो आपका जो प्रॉफिट, ये सौदा जो है वो आप लॉस में काटते 90,000, उसकी जगह पे अभी आप प्रॉफिट में चल रहे हो कितना, 15,000, और आपने यहाँ पर कितना लिया था, सिर्फ 15,000, मतलब 15 किलो जो है वो लिया था। तो 15 किलो पे आपने 66,000 में लिया था, अभी भाव चल रहा है 65,000 का, ठीक है, ध्यान से सुनना दोस्तों, 65,000 का, 66,000 में 15,000 लिया था, तो अब आपका एम टू एम कितना रहा, जीरो। सोचिए थोड़ा, कैसे जीरो हुआ एम टू एम हमारा, तो 66,000 में लिया था, अभी भाव चल रहा है 65,000, 15 किलो लिया था, 15,000 का लॉस हो रहा है एम टू एम में, लेकिन 15,000 हमने यहाँ पर ऊपर आते हुए बुक कर लिया। तो जो सौदा आपका 90,000 माइनस में था, 90,000 माइनस था, वो अभी आपका क्या हो गया, नेट में जीरो, ठीक है। और फिर लगे कि बहुत ही खराब है, कुछ ऐसा है, ऊपर हो गया नीचे हो गया, तो फिर आप एग्जिट भी कर सकते हो, या तो मिनिमम लॉस में आपका जो है वो निकल जाएगा, या फिर अगर आप इसको कंटिन्यू करना जाओगे तो भी इससे एक बात की गारंटी है कि आप जो है वो लॉस नहीं करोगे, या तो बहुत ही मिनिमम होगा, और प्रॉफिट आपका लगातार होता रहेगा। और आपको कब तक बाय करना है, तो आपको दिमाग में एक लेवल ध्यान में रखना है कि जब तक जो है वो मैं 60,000, 55,000, 50,000, जो भी आपको ठीक लगे लेवल, वहाँ तक मैं बाय करूँगा, फिर उसको छोड़ दूंगा, उसके बाद फिर बाय नहीं करेंगे। क्योंकि आप जो है वो रुकते हो, मुझे पता है बहुत सारे दोस्त जो है वो मुझे चैट सेक्शन पे, हमारी जो एप्लीकेशन है वहाँ पर मेरी जो ट्रिक है, इंट्राडे की ट्रिक, मेरे जो सपोर्ट एडिशन, वो सीखने आते हैं, तो मुझे चैट करके बताते भी हैं कि सर हमने तो लिया है और फिर छोड़ दिया है, और कितना लिया, तो बोलते कि 10 स्लॉट। कब लिया, तो 68,000 में, अभी कितना चल रहा है, 61,000, 62,000, 60,000, मतलब कोई स्टॉप लॉस नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो उन लोगों के लिए ये खास मुझे लगा कि ये ट्रिक जो है वो अगर आप फॉलो करोगे, तो इसमें ना चार्ट की ज़रूरत है ना किसी की ज़रूरत है, सिंपल अपना 500 पॉइंट में काम करते जाओ, 1000 पॉइंट में, जो भी आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि आप काम करना बंद नहीं करोगे, लेकिन काम का प्लानिंग करना ज़रूरी है। तो हम ये सीरीज के अंदर दोस्तों सीखेंगे कि प्लानिंग कैसे करना है, तो वो मैं आपको प्लानिंग करने का सिखाऊंगा। ऐसे धीरे धीरे कुछ अच्छे जो है वो और भी आइडिया है मेरे दिमाग में, मैं ट्राई करूंगा कि वीक में 2 या 3 वीडियो आपके लिए ला पाऊँ, और फिर उसको आपको दे पाऊँ और आपको कुछ नया सिखा सकूँ। तो ये वीडियो में अगर आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो ज़रूर कमेंट करें। और ये सिर्फ सिल्वर में नहीं दोस्तों, आप गोल्ड में अप्लाई करें, एनजी में, क्रूड में, स्टॉक में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, इक्विटी में, जहाँ पर भी आप काम करते हो, कोई एक स्पेश फिक्स जो है वो आपको कर देना है कि ये वाली रेंज जो है वो मेरे लिए ठीक है, वो रेंज में फिर आप ऐसे काम करोगे तो आपका लॉस जो है वो लगभग लगभग ना के बराबर होगा। जो अभी तक आपने लॉस लिया ना, उसका 10% भी नहीं होगा, लेकिन आपका प्रॉफिट जो है वो आपको दिखेगा कि नहीं कुछ कमा रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप ट्रेडिंग किस लिए करते हो, कुछ अर्निंग के लिए, ठीक है। तो वो अर्निंग आपको कुछ प्लानिंग करने से मिल सकता है, तो ऐसे आप कुछ प्लानिंग करिए। ये दोस्तों जो है वो मैंने अपना आइडिया शेयर किया, इसके ऊपर आप भी थोड़ा सा रिसर्च करिए, थोड़ा सोचिए, काम करिए, और आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा पेपर वर्क करें, फिर आप जो है वो रियल में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, और ज़रूर दोस्तों अपने जो है वो सर्कल में शेयर करें, ताकि उनको भी एक अच्छी जानकारी मिले और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। वीडियो सुनने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।